आ जाओ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखना है, सभी ने अच्छे से समझना है, ठीक है? हाँ देखो बच्चों, ध्यान से देखना। आप जानते हो y इज इक्वल टू क्या होता है? fx होता है। कल आपने क्या पढ़ा था? स्लोप के बारे में पढ़ा था। स्लोप बेसिकली क्या होता है? y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल y बाय डेल x। और जब डेल x बहुत ही छोटा हो जाता है, टेंस टू जीरो, ठीक है, तब हम इसको लिख देते हैं dy बाय dx। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझोगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्या देता है हमें। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है ना? हाँ, किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स पे वाई की वैल्यू क्या आएगी या उसका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, ठीक है? किसी भी एक्स की वैल्यू पे वाई का रेट ऑफ चेंज क्या आएगा उस इंस्टेंट पे। अब उसके बाद में बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब ये हम डीवाई बाई डी एक्स लिखते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। समझना मेरी बात, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब पहली बार डिफरेंशिएशन, पहली बार डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, ठीक है? हाँ, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और अच्छे से, कि जब पहली बार किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और जब दूसरी बार करते हैं तो उसको बोलते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंड डेरिवेटिव। समझ में आया? हाँ, तो घबराना किसी ने भी नहीं है, आपको पता चलेगा ये एग्जैक्टली आता क्या है। मान लो आपके सामने dx बाई dt की वैल्यू क्या होती है? v। अरे dx बाई dt की वैल्यू क्या होती है? v होती है ना। दैट इज डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है v। इसकी यूनिट आप देखोगे तो आप लिखते हो मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अब मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू टी की रेस्पेक्ट में करूं तो आएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और इधर आएगा डी वी बाई डी टी। दोनों साइड करना पड़ेगा ना। तो बच्चों ये बेसिकली क्या होता है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जिसका डिफरेंशिएशन करते हो वो तो एज इट इज रहता है मीटर, और अगर टी की रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन किया है तो उसकी पावर लग जाती है यहां पे। समझ में आया? नहीं आया सभी को? बच्चों आपने जिसका डिफरेंशिएशन किया, एक्स का डिफरेंशिएशन किया है ना, चाहे एक बार किया हो चाहे दो बार किया हो, यहां पे मीटर ही लिखा जाता है, और टाइम की रेस्पेक्ट में जितनी बार करते हो उसकी पावर में आ जाता है। अगर दो बार करोगे तो सेकंड का स्क्वायर, तीन बार करोगे तो सेकंड का क्यूब। समझ में आ रहा है सभी को? अरे आ रहा है क्या? नहीं आया? एक बार देखना अच्छे से, फिर समझना। आप जानते हो कि सर मैं x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मतलब x का रेट ऑफ चेंज देख रहा हूं है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसको लिख देता हूं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ में आया? तो ये आएगा ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है ना? यस। अब मैं दूसरी बात करूं कि मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा डी टी स्क्वायर,
अब बच्चों x में यहां पे तो x ही है, तो इसका क्या आएगा मीटर, और यहां पे t स्क्वायर आ गया मतलब सेकेंड स्क्वायर, आया समझ में? तो यूनिट लिखते टाइम हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अब इसका एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आपसे बोले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा जल्दी बोलो, अरे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा जल्दी बताओ, शाबाश। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा जल्दी कैलकुलेट करो आंसर, तो भाई बगैर आंसर के काम नहीं चलेगा, सोल्व करो इसको, शाबाश जल्दी करो बच्चों, अरे तुम कर सकते हो, शाबाश सोल्व करो, शाबाश। ट्राई करो बच्चों, अरे ट्राई करो, कोई सुन पा रहा है मेरे को, फिर आंसर करो। देखो सही बच्चे ध्यान से, दो बच्चों ने सही आंसर किया है, पावर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एज इट इज, एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन टू इंटू एक्स की पावर वन प्लस सॉरी माइनस टू, एक्स का क्या आएगा वन, थ्री का क्या आएगा जीरो, तो आप लिख दोगे डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। सिक्स एक्स माइनस टू, समझ में आया? यस। अब बोले सेकंड डेरिवेटिव बताओ इसका, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये हो गया, सेकंड डेरिवेटिव अब इसका डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो थ्री को ऐसे ही लिख दोगे, डिफरेंशिएशन इसका करोगे एक्स स्क्वायर का, दैट इज टू एक्स प्लस सिक्स को एज इट इज लिख दोगे, डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का दैट इज वन, माइनस टू का आएगा जीरो, तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, 6x प्लस 6, समझ में आया? बताओ शाबाश, बस तो फिर क्या दिक्कत है भाई, कर लोगे ना, फिर क्या दिक्कत है? सर यू डिड वी टू थ्री एस जीरो, बेटा समझे नहीं, मैं समझा नहीं, समझा नहीं, देखो क्या बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है सर एक एग्जांपल और दो, कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में याद रखना, सुनो एक बात, कई बच्चे बोलते हैं सर ये कई बार आप कांस्टेंट का जीरो डिफरेंशिएशन कर देते हो, कई बार उसको वैसे का वैसा रहने देते हो, जब कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा तो उसको वैसा का वैसा छोड़ देंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ में आया? अगर कांस्टेंट अकेला रहा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आता है, अब आया समझ में डिफरेंस?
अगर कोई कॉन्स्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको वैसा का वैसा छोड़ देंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर कोई कॉन्स्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन आता है जीरो। तो यहां पे देखो ये मल्टीप्लाई में, वेट वेट वेट, हाँ करेक्ट, तो यहां पे देखो थ्री एक्स स्क्वायर का आएगा टू एक्स, सिक्स एक्स, सिक्स को कॉमन निकाल लो वन आ गया। अब चलो आ जाओ कुछ और करते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन और करते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन और करें, आ जाओ। फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव करो, शाबाश। आवाज साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या? क्लियर है? ओके अब क्लियर है ना? बताओ बच्चों शाबाश, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन बताओ, सेकंड डेरिवेटिव बताओ। जल्दी बताओ शाबाश, पहले फर्स्ट करते हैं dy by dx, 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x cube माइनस 2x की पावर 3 by 2 का डिफरेंशिएशन 3 by 2, आगे x की पावर 3 by 2 माइनस 1 दैट इज 1 by 2 प्लस का, ठीक है, हाँ 2x का क्या आएगा 1। अब आगे चलते हैं d2y by dx square, ट्वेल्व एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की पावर वन बाई टू का डिफरेंशिएशन, टू का जीरो। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, तो वन बाय लिख के ऐसे लिख देना, जीरो एज इट इज। समझ में आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब? अरे आया क्या, जल्दी बताओ शाबाश। जल्दी बताओ बच्चों, हो जाएगा है भाई, बस तो फिर क्या दिक्कत है, करते रहो करते रहो, और करता हूं प्रैक्टिस या आगे चलो? आगे चलते हैं अब, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव आपको पता लग गया। ठीक है, यस आ जाओ बच्चों, अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। हमारे पास, हमने बोला था कर्व बनती है, कोई भी कर्व होती है वो कुछ इस तरीके से हो, वो कुछ इस तरीके से हो, तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं। मतलब किसी भी एक्स के कोरस्पोंडिंग वैल्यू अगर आप चेक करो और उसके सराउंडिंग में उससे कम वैल्यू आए वाई की, किसी भी एक्स के कोरस्पोंडिंग आप वैल्यू चेक करो वो उसके सराउंडिंग के एक्स के कोरस्पोंडिंग जो वाई की वैल्यू आ रही है उससे कम आए। देखो किसी भी एक्स के कोरस्पोंडिंग वाई की वैल्यू ये आ रही है, क्या इसके सराउंडिंग एक्स के कोरस्पोंडिंग वाई की वैल्यू कम है?
कम है तो हम बोल देंगे इसको बोलते हैं मैक्सिमा। ये भी क्या हो जाएगा सिमिलरली मैक्सिमा, क्योंकि इसके पड़ोसी के कंपैरिजन में क्या आ रही है वाई की वैल्यू ज्यादा आ रही है। समझ में आया बच्चों क्या हो रहा है? ध्यान से देखना बच्चों हमारे पास अब आवाज आ रही होगी। आवाज आ रही है क्या बच्चों? अब आ रही है? राइट नाउ अब बताओ बच्चों आ रही है नहीं? नहीं आ रही? गलत है यार। Voice is not coming properly. Wait. अरे आज बादल हो रखे हैं बहुत ज्यादा। अब आ रही है क्या बच्चों? अब बताओ। शाबाश। अब बताओ। यस ओके स्टार्ट करें। समझा रहा हूं बेटा समझा रहा हूं। चलिए स्टार्ट। देखो बच्चों हमारे पास कोई कर्व है, हमारे पास कोई कर्व है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, उसका ग्राफ ये आया। तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमाज बनते हैं। मैक्सिमा वो होता है जहां पे वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो एज कंपेयर टू सराउंडिंग, दोनों साइड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड के कंपैरिजन में। यहां पे भी वाई की वैल्यू मैक्सिमम है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इनको बोलते हैं मैक्सिमाज। क्या बोलते हैं? मैक्सिमाज। समझ में आया? आया क्या? और बच्चों जहां पे x की वैल्यू मिनिमम एज कंपेयर टू सराउंडिंग, इनके कंपैरिजन में मिनिमम यहां पे है, तो इसको बोलते हैं मिनिमा। ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं क्या? मिनिमा। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ, इसको बोलते हैं मिनिमा और ये होता है मैक्सिमा। आपसे कई बार मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, आपसे कई बार मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना है कहां पे मैक्सिमा आ रहा है कहां पे मिनिमा, कहां पे मैक्सिमा आ रहा है कहां पे मिनिमा। तो आप देखो ध्यान से, मैक्सिमा और मिनिमा की जगह पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है वो जीरो हो जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या हो जाता है? जीरो। उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। जल्दी बताओ हाँ कि ना? मैक्सिमा और मिनिमा की जो पॉइंट है वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जीरो होता है या नहीं होता है?
मतलब अगर मैं इसको x1 बोल दूं, इसको x2 बोल दूं और इसके कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू है वो x3 है मान लो, तो मैं बोल दूंगा dy dx एट x इक्वल्स टू x1, x इक्वल्स टू x2 एंड एट x इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू 0। हाँ कि ना? यार बेटा वेट करो, एक बार वेट करो। अब बताओ बच्चों, अब आ रही है? ओके बच्चों ध्यान से सुनना, एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, एट एक्स इक्वल टू एक्स टू एंड एट एक्स इक्वल टू एक्स थ्री, क्या तीनों जगह स्लोप जीरो है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जीरो है या नहीं है? अरे हाँ कि ना? तो मैं बोल दूंगा dy by dx at x equals to x1, at x equals to x2 और at x equals to x3 जीरो आ रहा है। समझ में आया? हाँ। अब आप ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, dy by dx हमें क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है? इसका डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है जल्दी बताओ, क्या वो आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर? इसको आप लिखोगे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। समझे? बताओ बच्चों, इसको क्या लिखोगे आप? डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। जब हमें ये dy by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y देता है, तो ये हमें क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देगा या नहीं देगा? विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना? बच्चों ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना सभी, dy by dx हमें देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब तो सुन रहा है ना बच्चों, अब सुनाई दे रहा है? dy by dx हमें क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और d2y टू वाई बाई डी एक्स हमें क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना? हाँ, अगर स्लोप बढ़ रहा होगा, ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ, और ये क्या होता है?
डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ, हाँ कि ना, ऐसे स्लोप इंक्रीज होता है और ऐसे डिक्रीज। ध्यान से देखना आप बच्चों, ध्यान से देखना सभी बच्चों, जो मैक्सिमा होता है ना, वहां पे डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है एट मैक्सिमा। समझ में आया? और जहां पे मिनिमा होता है, जहां पे मिनिमा बनता है, वहां पे एट मिनिमा, ध्यान से सुनना, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। क्यों? देखो यहां से आगे बढ़ोगे तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ना, नेगेटिव आएगा। यहां से आगे बढ़ोगे तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया बच्चों? यस। तो बच्चों हम बोल देंगे कि एट एक्स इजक्स टू एक्स वन एंड एक्स थ्री ये आएगा, और एट एक्स इजक्स टू एक्स टू ये आएगा। एक बच्चे ने पूछा है सर मैक्सिमा और मिनिमा पे डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो क्यों होती है? बेटा यहां पे आप टेंजेंट डालोगे तो वो ओरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, जीरो। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और डीवाई बाई डी एक्स से हम क्या निकालते हैं, उस पॉइंट का स्लोप, तो वो भी क्या हो जाता है, जीरो। अब आया समझ में? कल का पढ़ के आया हो ना? है भाई? हाँ। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी बच्चे ध्यान से लिखें। पहले लिखो स्टेप टू सोल्व मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्टेप टू सोल्व मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसे इंटीग्रेट करता है वो देखते हैं, और भी फॉर्म है, और फॉर्म इस प्रकार है, योगी इंटीग्रेशन ऑफ, योगी माइक ऑफ कर ले, टू ई रेस्ट एक्स। मैं समझ गया, समझ गया। ठीक है इसका इलाज करते हैं भाई, छोड़ दो क्या। देखो बच्चों, देखो ध्यान से, अभी सभी बच्चे देखेंगे। यस, स्टेप टू सोल्व मैक्सिमा एंड मिनिमा। नंबर वन, फर्स्ट डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो लिखो कैलकुलेट डी वाई बाय डी एक्स, निकाल लिया। अब उसको इक्वेट कर दो जीरो से, एंड इक्वेट इट विद जीरो। तो बच्चों जो
वैल्यू आएगी, जैसे मान लो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, है ना। वेट करना एक बार चार्जिंग लगा, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लो बच्चों आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो आप बोलोगे जब ये जीरो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो उसके कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना x की, x1 x2 x3, वो क्या होंगे, लो भाई बच्चों बताओ सही बच्चे बताएंगे, क्लियर है। यस, अब ध्यान से देखना कि जब हम डिफरेंशिएशन को dy बाय dx को जीरो से इक्वेट कर देंगे, उसके कोरस्पोंडिंग इसके रूट आएंगे दो, मतलब हम बोल सकते हैं x1 और x2 की वैल्यू पे जीरो हो जाएगा। हो जाएगा ना, समझ में आया। हाँ, अब ध्यान से समझना है सभी ने कि सर dy by dx करेंगे जहां पे स्लोप जीरो होगा उसके कोरस्पोंडिंग x1 आएंगे x2 आएगा, दीज आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो लिखना है इक्वेट कैलकुलेट कैलकुलेट dy by dx एंड इक्वेट इट विद जीरो, पहली लाइन। सेकेंड, नाउ फाइंड आउट x1 x2 x3 अप टू आगे तक, ठीक है। नाउ फाइंड x1 x2 एंड x3 अप टू आगे तक, समझ में आया। यस, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप देखो, नाउ कैलकुलेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वी कैन से नाउ फाइंड आउट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, निकाल लोगे। पुट x1 x2 x3 अप टू ऑल रूट्स, समझ में आया, इन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें x1 x2 x3 पुट करो, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आए उसमें,
इफ, अब ध्यान से देखना, इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ध्यान से देखना पॉजिटिव एट एनी पॉइंट, मान लो एक्स टू, देन एक्स टू इज द पॉइंट ऑफ, एक्स टू इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना बच्चों। सेकंड, इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी सम नेगेटिव वैल्यू, किस पे, मान लो एक्स वन पे और एक्स थ्री पे आ गई, देन एक्स वन एंड एक्स थ्री आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आया? नहीं आया तो एक इलस्ट्रेशन करवा दूं, नहीं आया तो एक इलस्ट्रेशन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बोलो। शाबाश,